बेटा, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो। तुम पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो, अगर तुम ऐसे हारोगी तो सिर्फ तुम्हारी हार नहीं होगी बल्कि राय परिवार की हार होगी। माई, ये बाबूजी का मृत्यु का प्रमाण पत्र का कागज, इस पे आप साइन कर दीजिए। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये प्रमाण पत्र का कौन भूत सवार हो गया है तुम पर? हाँ माई, हम पर भूत सवार हो गया है, लेकिन यही सच्चाई है। अच्छा, कि बचपन से लेके आज तक हम बाबूजी का इंतजार करते थे, लेकिन बाबूजी नहीं आए। अगर बाबूजी जिंदा होते ना तो जरूर आते। सच्चाई यही है कि हमारे बाबूजी का मृत्यु। दीदी, आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी बुरी छाया आप पर पड़ने नहीं देंगे। सरोजा, दीदी, मैं जानकर बहुत दुख हुआ कि आप हमारी छाया बुरी मानते हैं और आपको ये लगता है कि वो आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। हमसे भी सब नाराज ही रहते। हाँ, मतलब है बेटा तुम्हारा, का सरोजा बहू भी तुमसे नाराज है? हैं? हाँ, वो भी। अरे नहीं अम्मा, हम तो मजाक कर रहे थे, हमसे कोई नाराज नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। जुम्मा जुम्मा दो दिन हुए नहीं बहू को आकर, अभी से हमरे बेटे से नाराज होने लगी। ये बात को तो निपटाना होगा ही। तो फिर ये बताओ, अगर अम्मा हमें ये नोट का गड्डी दी है और कही है कि जाओ अपने दोस्तों के साथ ऐश करो, घूमो फिरो, तो फिर कहा हमें ये बात पर वापस सोचना चाहिए? ना भैया ना, ये तो उनके आदेश का निरादर होगा। तो फिर चल बल्ली, आज की शाम पुराने दिनों के नाम। वाह माधव भैया, इसी बात पे आपको हमारा सलाम। सरोजा बहू, कछु बात करे का है तुमसे? जी अम्मा जी, बोलिए। यहाँ नहीं, कमरे में आओ। समझा नहीं, कुछ टेंशन में लग रही, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? चल के देख। हम कहते हैं कि समझे, अब आप लोग सब परिवार हमारे पटना है, हमारे साथ कुछ दिन बिताइए वहाँ। तो कहा है ना कि आने वाले अगले 3 महीने तक वहाँ का जो मौसम है बहुत ही अच्छा रहे, और वहाँ तो त्योहार का आनंद अपने आप में ही अलग होता है। तो बस अब प्लानिंग कर लीजिए और हमें भी कुछ सेवा का मौका दीजिए। अरे जरूर जरूर समझे जी, अरे इतिहास रूबरू होने का मौका इससे अच्छा और कब मिलेगा? हम जल्दी ही ना पूरे परिवार सहित पटना आने का प्रोग्राम बनाते हैं। अरे आप लोग यहाँ, अब हमें चलना चाहिए। 2 घंटे के बाद हमारी ट्रेन है, थोड़ा पहले निकलना होगा तो ही समय पर स्टेशन पहुंच पाएंगे। अरे तो कैंसिल करवा देते ना टिकट। अरे 2-4 दिन और रुक जाइए, हमें भी अच्छा लगेगा। अरे नहीं नहीं समझे जी, बस अब तो हमें इजाजत दे ही दीजिए, आप लोगों से मिल लिए, बिटिया से भी मिल लिए, अब हमें और क्या चाहिए। और हाँ, इस बार हम कंचन को भी साथ लिए जा रहे हैं। और कितना दिन रहेगी वो यहाँ? अरे ये क्या बात है, आप दोनों जा रहे हैं उसको तो यहाँ छोड़ जाइए, बहू का मन लगा रहेगा। समधी जी, अब देखिए समधी जी इतनी जिद कर रहे हैं तो मान जाइए ना, कुछ दिन कंचन अपनी बहन के पास और रह लेगी। ठीक है, जैसा आप कहें। अच्छा अब हमें आ गया। अरे रुकिए ना, अब माधव को बोल देते हैं ना, और माधव तो किसी काम से बाहर गया है, तो संग्राम को बोल देते हैं, वो आपको छोड़ाएगा। समधी जी, आपसे हमें एक बात कहनी। तो हाँ हाँ बोलिए ना। वो कहा है ना समधी जी,
सरोजा अभी बच्ची है, हमने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला है, इसीलिए आपसे विनती है कि अगर जाने अनजाने में उससे कोई गलती हो गई तो अपना माधव बेटा समझकर उसे माफ कर। अरे कैसी बातें कर रहे हैं समधी जी, अरे सरोजा हमारी बहू और बेटी दोनों हैं, आप निश्चिंत रहिए, हाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ हम सरोजा से मिलकर आते हैं, वैसे हमारी सरोजा बहुत भाग्यशाली है, उसे इतना अच्छा घर परिवार मिला है। एक बात ध्यान से सुन लो सरोजा बहू, ये घर भाग्यशाली लोग ही ब्याह कर आते हैं, और जौन लोग अपनी बेटी घर में ब्याहते हैं ना, अपने आप को धन्य मानते हैं। अम्मा जी हम कुछ समझे नहीं। सुना है हमरे बेटे से कछु नाराज चल रही हो आजकल, चार दिन हुआ नहीं आए, झगड़ा फसाद शुरू। ये आपसे किसने कहा? हमरे माधव में कोनो कमी है का? अम्मा जी ना हमारे बीच कोई झगड़ा हुआ है पर ना ही उनमें कोई कमी है। तो का हमरा माधव ऐसे झूठ बोल रहा है? तो इन्होंने हमारे बीच की बात अम्मा जी को भी बता दिया? एक बात अच्छी तरह से जान ले सरोजा बहू, हर घर के कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं, हर घर की एक मर्यादा होती है। और हमरे राय परिवार की मर्यादा के खिलाफ कोनो जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। सरोजा और संतन जी को कमरे में जाते देखे थे, बड़े गुस्से में लग रही थी। हे गंगा मैया सब ठीक करना। सरोजा बहू कौनो लड़की किसी घर में ब्याह कर तभी आती है जब उस घर के बेटे का ब्याह उसके साथ होता है। यही से ही समझ लो कि तुम आज जो उन कुछ भी हो हमरे माधव के कारण हो। अगर इसी तरह तुम उससे नाराज रही ना तो वो दिन दूर नहीं, देखते ही देखते वो तुमसे दूर हो जाएगा और तुम्हें ये बात का पता भी नहीं चलेगा। मर्द को जो चाहिए ना अगर उसे वो ना मिले तो कोनो और रास्ता ढूंढ लेता है, और एक बार जो उन मर्द का पांव बाहर निकल गया तो फिर उसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि आज माधव को यहां होना चाहिए था ना, पर वो यहां नहीं है। यही से नियम से रहोगी, घर के कायदे कानून को मानोगी और मर्यादा में बंधी रहोगी तो जीवन भर खुश रहो। काहे कि औरत का जन्म ही हुआ है आदमी को खुश रखने के लिए। समधन जी बिल्कुल ठीक है, पति को खुश रखना ही पत्नी का धर्म होता है, और जो ये सब नहीं कर पाती वो अपने धर्म से चूक जाती है। तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हमरे जगह अगर कौनो और सास होती
तो मार दुनिया भर का नाटक करती। एक हम जो यहाँ कमरे में अकेले ले आकर समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं। तुम बहुत भाग्यशाली जो तुम्हें इतना अच्छा घर परिवार मिला। आप लोग जैसे सास ससुर, दरअसल हम लोग जा रहे हैं तो सोचा कि सरोजा से मिलते जाए। अरे जा रहे हैं आप, तनी ठहरिएगा, हम तारा बहू से कहकर कुछ नाश्ता बनवा देते हैं। नहीं नहीं संदन जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, हमरे यहाँ से जा रही हैं आप, ऐसे थोड़ा चली जाएंगे। माँ, इतनी जल्दी आपको जाना था तो आप लोग आए क्यों थे? बात को मत बता, देखो समझो, तुम्हारे सामने तुम्हारी साक्षात सास खड़ी है और वही तुम्हारी आदर्श। जब तक तुम हमारे घर में थी हम तुम्हारी आदर्श थे, अब तुम्हारी आदर्श तुम्हारी सास है। माँ क्या हम सबके बनाए हुए रास्ते पर ही चलते रहे? और इस मामले में तो हमने कुछ किया भी नहीं। समाज में कुछ दायरे और जिस समाज में हम रहते हैं वहां पत्नी के भी कुछ दायरे होते हैं। उसे क्या करना है क्या नहीं करना, इन सब बातों का ख्याल रखा जाता है। इसलिए बेटी तुम्हें भी वो सब करना है जो सदा से होता आया है। हम इतने समझदार हैं और हम सब समझ रहे हैं। ठीक है, आप और अम्मा जी जो कह रहे हैं हम वो सब कुछ करेंगे, हर उस मर्यादा को मानेंगे, लेकिन अपनी पहचान मिटा कर नहीं, हम जैसे हैं हम बिल्कुल वैसे रहेंगे। अपने अस्तित्व के साथ हम हर मर्यादा का पालन करेंगे। शाबाश, हमें अपनी सरोजा से यही उम्मीद है। देखो सरोजा, कंचन अभी कुछ दिन यहाँ रहेगी, तुम अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखना। और देखो ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारे माँ बाप का सर छुप जाए। हम आपसे वादा करते हैं हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कि आप और पापा कभी शर्मिंदा हो। सरोजा जी, वो सरोजा जी हम समझाते। अब आपको ये सब करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी।
क्या कर रही हैं आप ये? हाँ, क्या है ये सब? क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? आप खुश नहीं हुए? अच्छा तो लगा, पर ये सब? अगर अच्छा लगा तो आप हमसे इतना दूर क्यों हैं? स्टीक आइए ना। अम्मा जी बोल रही थी कि हमें अपने पति को खुश करना ही नहीं आता, पर ऐसा नहीं है। हम आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हैं। हमें बहुत अच्छे से पता है कि अपने पति को खुश कैसे रखा जाता है। आप शर्मिंदा मत होइए, हमने ये सब आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं कहा है। हम तो ये सब बस इसलिए किए हैं कि आगे से इसकी कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सरोजा जी, आप हमारी बात देखिए। वेद मंत्रों द्वारा अग्नि और दसों दिशाओं को साक्षी मानकर पूरे समाज के सामने हम आपके बन गए, और अब आपका हमारे पूरे तन मन पर अधिकार है। और ये सब सिर्फ रीति रिवाज के लिए नहीं, बल्कि कानूनन भी हम सिर्फ आपके हैं। सरोजा जी, आप हमारी बात तो आप पहले हमारी बात सुन लीजिए, और इसलिए हमारे पूरे तन मन पर सिर्फ और सिर्फ आपका ही अधिकार है। ये सब आप क्या बोल रही हैं? आप पहले हमारी बात सुनिए, इसलिए आपको दुनिया के सामने कोई ड्रामा या कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। हम आपकी धर्म पत्नी है, कोई इनाम में मिलने वाली चीज या सामान नहीं जिसे जीता जा सकता है। कितनी अजीब बात है ना सरोजा जी, अपने रीति रिवाज समाज सबकी बात है कि बस यही नहीं बोला कि आप हमसे प्यार करती। और इसलिए आप हमारी हैं और हम आपके। देखिए, आप हमें गलत मत समझिए, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, और ये बात हम दिल से कह रहे हैं। खाली इसलिए नहीं कि हमारी आपसे सिर्फ शादी हो गई है, और निभाना एक मजबूरी है। हमें माफ कर दीजिए सरोजा जी, हमारी बुद्धि ना बहुत मोटी, हम ये जान ही नहीं पाए कि आपको इससे पता लगेगा तो आपको कितना दुख होगा। हम बस फिल्मों के सच को ही सच मान बैठे, और आपको खुश करने के लिए वो सब करने लग गए जो हम फिल्मों में देखे थे। लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि हम आपको शिकायत का कोई मौका ना दें। देखिए, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये सब करने की अब कोई जरूरत नहीं है। अब कितना बोलेंगे, हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई, लेकिन आपसे एक बात कहें, हम जो ये सब किए हैं, ये सब आपके शरीर को पाने के लिए नहीं, सिर्फ आपके मन को खुश करने के लिए किए हैं। हम वादा करते हैं सरोजा जी, हम अपनी गलती का प्रायश्चित जरूर करेंगे। नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई, और ना ही आपको कोई प्रायश्चित करने की जरूरत है। नहीं सरोजा जी, गलती तो हमसे हुई है, इसलिए हम प्रायश्चित भी जरूर करेंगे।